सो हे गाइस, आप सबका इस चैनल पे मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं देर सारे पीसी रिलेटेड कंटेंट एंड गेमिंग की। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट एंड गेमिंग में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ी ली होगी कि ये वीडियो आज किस पर होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो होने वाली है एकदम अल्ट्रा RX 5500 XT के बारे में, जो है ये वीडियो होने वाली है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब हो, और चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारे AMD है, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपने RX 5500 XT कार्ड्स की, जो कि इनकी तरफ से आने वाले थे बजट सेगमेंट्स के कार्ड, बजट सेगमेंट्स के। और इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी कर दिए यूट्यूबर ने, लाइक काफ़ी हमारे बड़े बड़े भाई लोग हैं, उन्होंने रिव्यू किए हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो मुझे भी बनानी चाहिए इसके बारे में, बहुत अच्छी। तो मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की RX 5500 XT, और काफ़ी बेंच मार्क्स देखे। तो मुझे यार थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा AMD की तरफ से कि यार AMD ने क्या किया है इस बार। हाँ, माना कि आपने कार्ड निकाला, पर मतलब डिसअपॉइंटमेंट है यार। इट्स लाइक जिस प्राइस पे वो आ रहा है, और मैं आपको प्राइस बताऊंगा 650 के कंपैरेबल में भी ये कार्ड बताऊंगा। इसके लिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, मिस मत कीजिए कार्ड को, बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। बिकॉज आप मिस कर देंगे तो फिर क्या मज़ा लास्ट फिर प्राइस और ये सब बताने का। तो गाइस, तो पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो नए कार्ड बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है। ये बेस्ड है RDNA आर्किटेक्चर पे। लाइक RDNA वो जो हमारे AMD है, उन्होंने नया आर्किटेक्चर निकाला है, जो इनसे पहले वाले जो RX सीरीज़ के कार्ड्स और 500 सीरीज़ के कार्ड्स जो थे वो पोलारिस आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे इनके। और ये जो नए कार्ड्स है वो RDNA आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और ये AMD कमेंट करता है कि हमारा मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट मतलब बेस्ट ग्राफिक कार्ड हम 7 नैनोमीटर्स पर निकाल रहे हैं। और एनवीडिया मतलब काफ़ी कर रहा है नैनोमीटर को लो करने की, कर रहा है, बट वो नैनोमीटर लो नहीं कर रहा, फिर भी AMD के कार्ड्स को बीट कर रहा है। जब लो करेगा तब क्या हाल करेगा वो चीज़ भी सही है, वो सब अपनी अपनी तरफ है, नैनोमीटर वगैरह वगैरह सब। तो इन्होंने क्या किया इस बार कि 7 नैनोमीटर में बजट कार्ड्स निकाले। ठीक है भैया, निकाल लिए, बहुत बढ़िया बात है, अपने बजट कार्ड निकाले। अब इन्होंने बजट कार्ड्स में इन्होंने क्या किया कि पावर वगैरह बहुत एफिशिएंट पावर बनाया, क्योंकि ऑब्वियस है यार, क्योंकि जो 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर स्मॉल है, तो ऑब्वियस पावर बहुत कम लेगा, वो बहुत कम कंज्यूम करेगा पावर। अब चलो पावर कम कंज्यूम कर रहा है, अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम। परफॉर्मेंस में हमें क्या देखने को मिल जाता है RX 5500 से, तो RX 5500 XT जो है वो 1650 सुपर के कंपेरेबल में मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, कुछ 19-20 का डिफरेंस है उसमें। मैं यही कंसिडर करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग अ न्यू वाला कार्ड इन अ मार्केट, अगर आप एक न्यू कार्ड बाय करने जा रहे हो मार्केट में, देन यू हैव अंडर 15,000 रुपीज़ के ऑप्शन में आपके पास है 3 ऑप्शंस। यू शुड गो फॉर 1650 सुपर, यू शुड गो फॉर RX 580, एंड यू शुड गो फॉर RX 5500 XT, जो कि सही है। ये मेरी थर्ड चॉइस, इसलिए मैंने इसको थर्ड बनाया, ये फर्स्ट बन सकता था, पर मैं फर्स्ट में लिटरली मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ आपको कि इफ़ यू हैव 15,000 रुपीज़ इन योर पॉकेट, देन आप जाइए एक अच्छा बाई कीजिए 1650 सुपर, लाइक MSI एंड अदर किसी ब्रांड से आप बाई कीजिए 1650 सुपर। और काफ़ी अच्छी जिस पर आप अगर वो कार्ड अगर बाई करेंगे ना आप, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ फ्यूचर प्रूफ भी है, मतलब आपके AAA सारे गेम्स तो चला ही देगा, अल्ट्रा नहीं मान के चलिए पर सारे गेम्स चला देगा। और चला तो 5500 XT भी देगा, बट एक FPS जो खेलने के बाद आती है। और वे जैसा कि मैं AMD को जानता हूँ, अभी तो उन्होंने न्यू कार्ड्स लॉन्च किए हैं, और अभी तक तो इंडिया में आए भी नहीं है अच्छी तरह से, कुछ टाइम लगेगा, 5-10 दिन कुछ ऐसा है, र्यूमर्स आ रहे हैं कि बस लॉन्च होने में, ये ज़्यादा टाइम नहीं है इन कार्ड्स को लॉन्च होने में। तो ये जो कार्ड्स है ना, इनको AMD क्या करता है हमेशा, मतलब अब अपने एक सॉफ्टवेयर अपडेट्स इतने प्यारे देता है ना, उससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लाइक अभी आप RX 580 को ही ले लीजिए, स्टार्टिंग में जब इनो के पास ड्राइवर्स थे, अपने जो पुराने ड्राइवर्स थे इनो के, जो पुराने ड्राइवर्स थे, उन पुराने ड्राइवर्स पे कार्ड्स थोड़े परफॉर्मेंस सही नहीं थी इनकी, मतलब थी तो 1080 पे लेवल पे, पर एटलीस्ट वो 1060 को जिस सेगमेंट का था वो बीट नहीं कर पाता था। और जो भी एड्रेनलिन ड्राइवर्स आए हैं, ये तो भैया पूछिए मत, 1060 को बहुत पीछे छोड़ते हैं। इनमें रेडियन बूस्ट, AMD इमेज शार्पनिंग, 30% FPS इंक्रीमेंट, और कितनी सारी चीज़ें डाल दी है AMD ने कि अब लोग चाहते हैं कि हम बाय करें AMD। लाइक उनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइक बस बहुत सारी अच्छी चीज़ें, हीट भी कम होने लग गए कार्ड्स, काफ़ी अच्छी चीज़ें की है। पर जो नए कार्ड्स तो इन्होंने निकाले हैं ना, वो थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा यार, क्योंकि जिस बजट पे आने वाले हैं, वीडियो देखिए, मैं बजट मैं बताऊंगा किस प्राइस पे इंडिया में आने वाले हैं, मैं बताऊंगा मैं आपको, वीडियो देखते रहिए लास्ट तक।
तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यार मतलब किस क्या मतलब ज़रूरत आ गई एएमडी को कि यार इन्होंने बिल्कुल अचानक से 5500 XT लॉन्च कर दिया, क्योंकि अब ये जो इनके जो कार्स थे ना RX 580 RX 570, इन्होंने बहुत क्रॉस कटिंग कर ली प्राइस में। यार एक टाइम पे आप देखो RX 580 मिलता था 28-28 हज़ार रुपये में, RX 580 मिलता था, और आज प्राइस देखो RX 580 की, RX 580 की आज प्राइसिंग हो चुकी है मार्केट में कम से कम 15 हज़ार में RX 580 मिलता। मैंने खुद ने पीसी बिल्ड किया, मैंने खुद ने एक RX 580 लिया 23,000 में, मैंने खुद ने 8 GB वाला नाइट्रो सफायर का RX 580 मैंने खुद ने लिया 23,000 रुपीज़ में, जो बहुत 1080p के लिए बहुत मौत काट था, और आज की प्राइसिंग देखिए। तो अब यार अब यूँ तो नहीं हो सकता है कि यार आपको एक 8 GB वाला कार्ड 10,000 में मिलेगा, नहीं, बहुत प्राइस कट कर ले, इससे लो RX 580 नहीं जा सकता। अब मैं RX 580 उनके लिए प्रेफर कर रहा हूँ जिनको ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा वी रैम कंज्यूमेबल काम करते हैं ग्राफिक्स वगैरह का, उनको अगर ज़्यादा वी रैम यूज़ आती है तो आप RX 580 के साथ जाइए बिल्कुल, क्योंकि यार उसमें 8 GB की वी रैम मिल रही है आपको। यार अगर मैं इस कार्ड को 4K टेक्स्ट कर रहा हूँ ना, तो RX 580 विनर है इसमें से तीनों कार्ड्स में से, क्योंकि बिकॉज क्या इसको क्या फ़ायदा मिलता है, इसको फ़ायदा मिलता है कि इस कार्ड में 8 GB की वी रैम है यार, और ऑब्वियस है आप जितना हाई रेजोल्यूशन पे खेलेंगे उतनी वी रैम आपको चाहिए होगी, वो कहने वाली समझने वाली बात है वो वी रैम। तो अब मैं बात आता हूँ कि अब क्या प्राइजिंग पे ये कार्ड्स लॉन्च होने वाले हैं, ये कार्ड्स लॉन्च होने वाले हैं एक्सेप्टेड, इनकी प्राइस जो है ये अभी अमेरिका में लॉन्च हुए तो इनकी प्राइस कुछ 189 US डॉलर्स और 189 या 195 US डॉलर्स ऐसी कुछ प्राइस थी। इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करके देखें तो कुछ लाइक 14,000 रुपीज़ के आसपास इनकी प्राइस जो है वो फॉल कर रही है, 13-14,000 रुपीज़ के आसपास इनकी प्राइसिंग फॉल कर रही है इन कार्ड की। और हमें इंडिया में क्या मिल जाता है इस प्राइस में, हमें मिलता है 1650 सुपर, लाइक 13,500 रुपये में यूकाटा 1650 सुपर। और अब ये तो छोड़िए, अब ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस विदाउट GST है, लाइक इंडिया में आने के बाद ये कार्ड्स 2 से 3 हज़ार रुपये महंगे हो जाएंगे। तो अब यू कैन गेट कार्ड RX 5500 XT 4 GB वाला वर्जन एट प्राइस पॉइंट ऑफ 15,000 रुपीज़, विच इज़ नॉट गुड। आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आपको 13,500-14,000 रुपये में लाइक 10% फास्ट कार्ड मिल रहा है, देन वाई शुड यू गो फॉर RX 5500 XT, सेंस नहीं बनता ना। तो ये चीज़ है। अब इसका एक और वर्जन आएगा, इसका वर्जन आ रहा है 8 GB वाला, यू शुड गो फॉर 8 GB वाला वर्जन, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा वी रैम मिल जाएगी, और अगर वो अगर सही प्राइस पे आता है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट प्राइस बताइए कि यार 15-16 हज़ार रुपये का कुछ कार्ड आ जाएगा, 15,000 का कार्ड आ जाएगा। अगर ये कार्ड अगर 14,000 का आता है ना, तो सोचने की बात होती है, क्योंकि इसका जो 8 GB वाला वर्जन है वो उससे कुछ 1,000-1,500 रुपये महंगा आएगा या 2,000 रुपये महंगा आ सकता है। तो इफ़ यू गेट RX 580 के प्राइस में अगर आपको RX 5500 XT मिल रहा है 8 GB वाला, देन यू गो फॉर दैट कार्ड, यही आपके लिए सही है, और यही रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि आप ये बाय कीजिए। और मैं आपके बेंच मार्क्स में आपको स्क्रीन पर मैंशन कर रहा हूँ, आप देखिए बेंच मार्क्स क्या गेमिंग के है, कुछ नहीं है, 5 से 10% कभी RX 5500 XT आगे है तो कभी ये आगे, ऑब्वियस नए गेम्स में आगे हो गई होगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड यार, क्योंकि जो कार्ड नया मार्केट में आता है और नई गेम के साथ ऑप्टिमाइज्ड होके ही आता है गाइस। तो गाइस बस मेरी वीडियो इतनी ही थी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक बात कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही हो तो मेरे को थोड़ा जुकाम बैठ गया, इसलिए थोड़ा देख लेना। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर से मिलाऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।